हेलो स्टूडेंट्स, हेयर आई एम विश्वजीत त्रिपाठी ऑन माई यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर किंग। तो सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि मेरे इस चैनल को आपने बहुत सपोर्ट किया है। टॉप 10 क्वेश्चन फॉर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशंस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा द स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि स्वीटेस्ट वेराइटी ऑफ मैंगो मतलब सबसे मीठा जो मैंगो का प्रजाति है जो विकसित हुआ है वो कौन सा है। ऑप्शन ए है दशहरी, ऑप्शन बी है चौसा, ऑप्शन सी है लंगड़ा, ऑप्शन डी है फजली। इन सारे आमों से आप मतलब भली भांति परिचित होंगे। जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये सारे आम नॉर्थ इंडिया की तरफ ही मैक्सिमम इन नामों से जाने जाते हैं और ये स्पीसीज मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया की तरफ ही पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है चौसा। ठीक है, ये है स्वीटेस्ट। अब जो फजली है, फजली लेट मैच्योरिंग वैरायटी, ये इसको टाइम लगता है मैच्योर होने में। ठीक है, मैच्योर लेट, ठीक लेट मैच्योरिंग। ठीक है, फजली। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है ओरिजिन प्लेस ऑफ टमाटो। ठीक, तो इसमें ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है साउथ कोरिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन डी है साउथ अमेरिका। ठीक है, आपको ऐसे ऑप्शन देखने को एग्जाम में मिलेंगे कि जो कन्फ्यूज करेंगे, साउथ, नॉर्थ कोरिया, अमेरिका। ठीक है, तो ऐसे आपको ऐसे उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है, कि आपको याद रखना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है साउथ अमेरिका। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट, इसका मतलब इसमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। आपको सबसे पहले जानना होगा कि ये किस टॉपिक से लिया गया है क्वेश्चन। तो इसका टॉपिक है एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, कि पौधों को जो पोषक तत्व की ज़रूरत होती है उनमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तो इसमें जो नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको इसका डिटेल कि इसमें जो कैल्शियम है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है, सल्फर मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपका मैग्नीशियम मैक्रोन्यूट्रिएंट है, जबकि जिंक नहीं है, नो। तो इसका राइट आंसर होगा जिंक, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जिंक। जिंक इज ए नॉट मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी आर सीन इन बोथ ओल्ड एंड न्यू लीव्स। ऐसा कौन सा सिम्टम है जो दिखाई देता है नई पत्तियों और पुरानी पत्तियों दोनों में। ये भी सेम टॉपिक से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है जिंक। ठीक, ये एकमात्र ऐसा न्यूट्रिएंट है जो न्यू और ओल्ड में दोनों में दिखाई देता है इसका सिम्टम। इसका अगर आपको सिम्टम दिखाई दे तो जिंक मोस्टली केसेस में यूज किया जाएगा, अगर नई लीफ और पुरानी लीफ दोनों में अगर सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो प्लांट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप ऑफ मेजर प्रॉब्लमेटिक सॉयल, कितनी टाइप की प्रॉब्लमेटिक सॉयल होती हैं, इस क्वेश्चन का ही मतलब है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है थ्री। ठीक, अब आप पूछेंगे कितने टाइप की, तो होगा एल्कलाइन, एल्कलाइन सॉयल, दूसरा है सेलाइन सॉयल और तीसरा है एसिडिक सॉयल। अब आप इसको एक मेथड से याद कर सकते हैं, एक ट्रिक कह सकते हैं, आस। ठीक है, जब जमीन में
समस्या होती है तो कोई आस नहीं बचती। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अपनी ट्रिक बनाइए, मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि आप अपने ट्रिक बनाइए और उससे याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा हर एक समय। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेस्ट केटर प्लांट फॉर फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, ऐसा कौन सा इंडिकेटर प्लांट है जो फॉस्फोरस न्यूट्रिशन जब कम होता है जमीन में, भूमि में हमारे, तो वो इंडिकेटर प्लांट के तरह से यूज कर सकते हैं हम उसको। तो इसका राइट आंसर होगा मेज। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवेंथ क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस टाइप। ठीक, तो इसमें मेटामॉर्फोसिस कितने टाइप का होता है, इस क्वेश्चन का ये मतलब है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, ठीक है। पहला कंप्लीट COMP और दूसरा इनकम्प्लीट IN। ठीक, तो इसको याद कर सकते हैं ट्रिक, इनको, ठीक है, इनको मेटामॉर्फोसिस, मेट इनको। ठीक, ऐसे मतलब मैंने जैसे याद किया है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी ट्रिक खुद से बनाइए कि कैसे इसको आप रिलेट कर सकते हैं दोनों चीज़ें, कि आपको अगर क्वेश्चन दिखाई दे तो एग्जैक्ट आंसर आप तुरंत बता पाएं। तो इसका राइट आंसर होगा दो, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोनोकॉटिलेडनस, ठीक है, ये लिया गया है सीड जर्मिनेशन, सीड टॉपिक से, कि सीड जर्मिनेशन जो अपना टॉपिक है एग्रीकल्चर में उससे लिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि मोनोकॉटिलेडनस से कौन सा, इसमें जो इसका सीड होता है, इन सारे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा मोनोकॉटिलेडनस है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है अनियन, ठीक है, प्याज। ये सारा डिपेंड करता है सीड पे। मैंगो का सीड आपने देखा होगा, पपाया का सीड देखा होगा, आंवला का सीड देखा होगा, तो ये सब डाई कॉटिलेडनस है, ठीक है, डाई। ठीक, जबकि जो अनियन है वो मोनो है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैक्सिमम इकोलॉजी से रिलेशन रखता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम UPSC लेवल तक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप इसका आंसर। एग्री सिल्वीकल्चर, ठीक है, आप एग्रीकल्चर और सिल्वीकल्चर को मिस किया गया है, एग्री सिल्वीकल्चर। तो इसमें आपको देखना है कि आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा एग्री और फॉरेस्ट। ठीक, एग्री से एग्रीकल्चर क्रॉप्स, एग्री क्रॉप्स, ठीक, प्लस फॉरेस्ट ट्रीज। ठीक है, ये आप कह रहे हो कि सर ये भी सही हो सकता है, नहीं ये गलत है, ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि फॉरेस्ट प्लस एग्री है, और इसने पूछा है एग्री सिल्वीकल्चर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको याद करना है एग्री सिल्वीकल्चर, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट। बट ये कुछ केस में सही भी हो सकता है कहीं कहीं पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन किस रेफरेंस में पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, आपको बी राइट आंसर याद करके चलना है। ठीक है, चलिए अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जॉटिक ब्रीड ऑफ सी, भेड़ की एग्जॉटिक ब्रीड मतलब विदेशी का नाम क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये फ्रांस ए भी बाहर का है, बी इंग्लैंड ए भी बाहर है, सी जर्मनी और डी USA। जैसे आपको अगर इंडियन नेम मिलते, क्योंकि शीप, जो शीप का ब्रीड होता है वो इंडियन में इंडियन नेम रखा गया है सारा, और बाहर का डाइट उसी प्लेस के नेम के हिसाब से रख दिया गया है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करना है आपको, ठीक है, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और लास्ट में क्या होता है वो आपको पता है, सब्सक्राइब द वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप ऐसे ही प्यार बनाए रहें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा 10 क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको मदद करेंगे आपके हर एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में। तो बी सेफ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और जय हिंद।